हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम जो है शूटिंग पर मौजूद हैं। इसके अलावा हम आपको जो है मेकअप के टिप्स देने वाले हैं। तो चलो जल्दी से हमारा अपना एक न्यू व्लॉग स्टार्ट करते हैं। जी तो दोस्तों, जो है लोगों का ये कहना होता है कि जो है सर्दी के अंदर जो है इंसान को मेकअप की ज़रूरत नहीं पड़ती, और मकसद हेयर जो होते हैं, हेयर फॉल जो है थोड़ा चल रहा होता है लोगों का। तो लोग ये सही कहते हैं, क्योंकि सर्दी के अंदर बाल वगैरह गिरते हैं, क्योंकि एक तो जो है ऑयलिंग करना चाहिए वैसे सर्दी के अंदर, और जो है हेयर फॉल यूँ होते हैं क्योंकि भाई जो पत्ते होते हैं, जो पेड़ों वगैरह पे जो पत्ते वगैरह लगे हुए होते हैं, वो भी गिरते हैं इस महीने के अंदर। तो जो है लिहाजा आपको जो है जो सर्दी का विंटर महीना होता है उसके अंदर आपको ऑयलिंग करनी चाहिए। तो इसके अलावा जो है हम मेकअप के बारे में बात करते हैं। भाई मेकअप का तो देखें ऐसा सीन है, क्योंकि एक तो जो है शूट्स वगैरह वालों के लिए काफ़ी बेहतर है, क्योंकि इसके अंदर बेस वगैरह नहीं पड़ती। आपका जो है मेकअप जो है अगर आप सुबह करते हैं तो तकरीबन 8 घंटे निकाल लेता है। आप कोई से भी प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं, 8 घंटे वो निकाल लेता है। लेकिन कुछ बेसिस वगैरह होती हैं जिनको लगाना ज़रूरी होता है, जो कि एक्नी वगैरह होती है उसको छुपाना ज़रूरी होता है। तो उसके लिए मेकअप लगाना चाहिए, मेकअप ज़रूरी है, क्योंकि एक तो लोग कहते हैं कि जो है अगर मकसद सर्दी के टाइम अगर कोई बंदा बाहर निकलता है तो थोड़ा सा जो है लोशन लगा ले तो उसमें काम हो जाता है। तो बिल्कुल ये सही कहते हैं कि जो है लोशन लगाने पे ही ऐसी काम जो है काम हो जाता है, मेकअप ना भी करें तो भी काम हो जाता है, क्योंकि नो मेकअप का थोड़ा सा सीन होता है। और इसके अलावा हम अगर जो है मेकअप की तो ज़रूरत नहीं पड़ती, अगर मेकअप करें भी तो तकरीबन लॉन्ग लास्टिंग वाला मेकअप हो जाता है। अगर हम बाल पे आयरन करते हैं या ब्लू ड्राई करते हैं वो भी जो है काफ़ी लॉन्ग टाइम चल जाता है। ये तो है थोड़ा सा सीन, क्योंकि देखिए सर्दियों के अंदर एक तो शादियाँ, क्योंकि लोगों का ये मानना होता है कि भाई सर्दी के अंदर शादियाँ बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होती हैं। तो बिल्कुल ये एक अच्छी बात है, सर्दी के अंदर शादियाँ बहुत बेस्ट तरीका होता है और बहुत बेस्ट तकरीबन टाइम होता है। तो अच्छी बात है लोग जो है अपना, इसके अलावा जो है सब एक हर चीज़ एक्टिविटी के अंदर चल रही है। और इसके बाद फिर मैं आपसे यही बात करना चाहूँगा, क्योंकि देखें आपको जो है मेकअप की प्रोडक्ट जो है आजकल जैसे चल रहा है आपको देखभाल की यूज़ करना चाहिए, क्योंकि देखें कुछ मेकअप ऐसे भी होते हैं। देखिए सबसे पहली बात कि आप जो है किसी का मेकअप यूज़ ना करें, और आप अगर आपको मेकअप करने का अगर नहीं का अगर क्रेज़ है, कोई शौक वगैरह है, तो भाई आप अपनी किट जो है लाजमी साथ में रखें, या तो ब्रश किट साथ में रखें या तो पफ अपना साथ में रखें, क्योंकि बाज़ों का जो दोस्त वगैरह होती है, जो लड़कियाँ होती हैं वो अपना सामान जो है शेयरिंग वगैरह के ऊपर करती हैं। तो भाई आप जो है अपना सामान शेयरिंग नहीं किया करें, अपना सामान जो है अपना ही रखा करें। चाहे मकसद मेकअप इतना कोई महंगा नहीं है, अगर आप चंद चीज़ें ले लेंगे तो भी कोई महंगा मेकअप नहीं है। तो इसके लिए जो है आपको कोई इतनी ज़्यादा कोई हाई फाई मेकअप क्लास की तरफ नहीं जाना चाहिए, चंद चीज़ें खरीद लें यही बहुत है आपके लिए। तो जो है मेकअप आपको, अगर मेकअप की जगह तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मुख्तलिफ़ जगह पे अच्छी अच्छी जगहें भी हैं जहाँ पर मेकअप मिलता तो है लेकिन काफ़ी महंगा होता है। तो आपकी अगर कोई अड़ोस पड़ोस में कोई शॉप वगैरह हो, या तो आपके एरिया के अंदर कोई बड़ी शॉप हो, आप वहाँ से जो है ये मेकअप वगैरह हायर कर सकते हैं, ले सकते हैं। लेकिन ख्याल कि किसी का पफ और किसी का कोई प्रोडक्ट यूज़ ना करें, जब भी प्रोडक्ट यूज़ करें आप अपना यूज़ करें। चलिए इस व्लॉग को जो है यहीं पर ही एंड करते हैं, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और बस सर्दियाँ ज़्यादा चल रही हैं तो इस बारे के अंदर अपना बहुत ख्याल रखिएगा, क्योंकि ठंड वगैरह लग जाती है। तो आजकल डॉक्टर की फीसें भी कमाल है। तो चले अपना बहुत ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टाटा।